हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो अभी शाम हो गई है और मुझे अभी जाना है मार्केट, कुछ सब्जियां लाऊंगी। आज मैं सांभर बनाने का सोच रही हूँ, तो सोचा थोड़ी सब्जियां, सांभर मसाला वगैरह कुछ लेके आ जाऊँ। तो मैं उसी के लिए तैयार हो रही हूँ। तो तैयार होते होते सोचा थोड़ी सी बात भी कर ली जाए। और कल का दिन भी मेरा शायद बहुत बिजी होगा, कल मुझे जाना होगा, एक पार्टी है। अपने गली की एक बेटी है, उसकी मैरिज है, तो उसकी पार्टी में भी जाना है, उसके लिए भी तैयारियां करनी है। और आप लोग कैसे हैं? तो जिनके यहाँ जाना है वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बार बोल गई थी आने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ कल जाऊँगी। तो कल भी मैं उनका ब्लॉग में बनाऊँगी, तो प्लीज़ आप लोग देखना। तो अच्छे से मुझे बात ध्यान आई कि मैं एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अपने जो भी हम लोगों की लाइफ होती है उसमें कुछ अच्छे लोग भी मिलते हैं और बुरे लोग भी मिलते हैं। तो और दोनों ही याद रह जाते हैं, जो अच्छे होते हैं वो भी, बुरे वो भी, दोनों ही एक्सपीरियंस हम लोगों को लाइफ में अच्छे से याद रहता है। तो प्रॉब्लम ये हुई थी फ्रेंड कि मैं एक जगह गई थी एग्ज़ाम देने, और मैं अपनी मार्कशीट ले गई थी और अपने ओरिजिनल पेपर ले गई थी और मार्कशीट की फ़ोटो कॉपी, बट मैं अपने जो सर्टिफिकेट होता है उसकी कॉपी नहीं ले गई थी, जिसके लिए मुझे बहुत दूर कॉपी कराने जाना था। और उसी के बारे में ये कहानी थी जो मैं आपको बताऊँगी, और क्या क्या मुझे बैड एक्सपीरियंस हुआ था वो भी आपको बताती हूँ। तो मैं ये बताना चाहती थी कि मैं बोल रही थी कि बहुत पहले मैं एक एग्ज़ाम देने गई थी, तो उसमें जो जो कागज़ थे तो वो मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने का। तो उसके लिए इंटरव्यू के लिए जाना था, बहुत सारे बच्चे आए थे वहाँ पे, मैं भी गई थी, आउट ऑफ स्टेशन गई थी। तो वहाँ पे ज़रूरत थी कुछ पेपर्स की जो मैं नहीं लेके गई थी, क्योंकि पहले इतना, जैसे आजकल इतना मोबाइल का ज़माना हो गया, हर चीज़ मोबाइल पर तुरंत ट्रांसफ़र हो जाती है, तो पहले वो नोकिया के छोटे छोटे मोबाइल होते थे, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी उन मोबाइल पर कि तुरंत हर चीज़ उस पर इन्हें सेकंड ट्रांसफ़र हो सके। तो उस वक्त बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो मैं अपनी मार्कशीट की कॉपी वगैरह तो लेके गई थी, लेकिन जो एक होते हैं पेपर, ओरिजिनल पेपर होते हैं, सर्टिफिकेट जो होते हैं, वो नहीं लेके गई थी मैं। तो वहाँ जाके हम एग्ज़ाम से पहले, इंटरव्यू से पहले पता चला कि उसकी कॉपी भी देखी जाएगी सर्टिफिकेट की, तो मैंने सोचा चलो इधर उधर कहीं होगा सेंटर के आसपास कोई फोटोकॉपी सेंटर होगा तो मैं वहाँ से करा लूँगी और आ जाऊँगी। तो मैं वहाँ दूर दूर तक गई, मुझे वहाँ कोई भी सेंटर नहीं मिला, लेकिन फिर बहुत दूर 1.5 किलोमीटर चलने पर मुझे एक छोटी सी शॉप मिली फोटोकॉपी की। तो वहाँ पर मैंने सोचा चलो फोटोकॉपी करा लूँ, और मैं चली गई शॉप के अंदर फोटोकॉपी कराने। तो जब फोटोकॉपी मैं कराने गई तो वहाँ पे हो गई मेरी फोटोकॉपी, और जब मैंने अपनी पॉलीथिन पकड़े हुए थी एक, उसमें जब हाथ डाला तो उसमें पर्स था ही नहीं, एक छोटा सा पर्स मैं लिए हुई थी, उसी में पैसे डाल रखे थे मैंने सारे अपने जो यहाँ से लेके गई थी, तो उसमें पैसे निकले ही नहीं हमारे। तो उस वक्त मैं बहुत शॉक्ड हो गई कि अब क्या करूँगी, कॉपी तो करा ली और इंसल्ट हो जाएगी हमारी, कॉपी करा ली और इनके पास पैसे हैं ही नहीं। कोई ये भी सोच सकता है कि शायद मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन उस वक्त क्या स्थिति थी वो मेरा ही दिल जानता है। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे तो पैसे खो गए, अब मैं क्या करूं। तो इस साथ में एक लड़का और खड़ा था, वो भी उसी सेंटर से शायद वो ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया था, उसकी भी कोई सिस्टर वहाँ आई थी एग्ज़ाम देने, तो वो भी वही कॉपी कराने आया था। तो मैंने उससे बोला कि भाई तू दे दे मेरे पैसे, तो मैं तुम्हें वहाँ चल के दे दूँगी सेंटर पर, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर के साथ गई थी और उनके पास थे पैसे। तो मैंने सोचा मैं ये यहाँ पर पेमेंट कर देगा मेरा, फिर मैं वहाँ जाकर उसको दे दूँगी, लेकिन वो इतना क्या बताऊँ, ऐसा था कि उसने मेरी हेल्प नहीं की उस वक्त, और बोला कि आप ऐसा करो इनसे बोलो, फोटोकॉपी वाले भैया से बोलो, ये आपकी हेल्प कर देंगे। चाहता तो वो भी मेरी हेल्प कर सकता था, लेकिन उसने नहीं करी। तो इसीलिए कहते हैं जब अपना वक्त ख़राब हो, अपनी जेब में पैसे ना हो, तो दुनिया भी बुरी निकल जाती है। तो फिर उन्होंने फोटोकॉपी वाले ने मेरी हेल्प की और उन्होंने ये बोला कि चलिए हम आपकी ये फ्री में करके देंगे, लेकिन आप ये सुविधा जो मैं यहाँ, फोटोकॉपी काफ़ी अंदर होती, तो ये सुविधा आप और लोगों को जो वहाँ सेंटर पे हैं और लोगों को बता देना कि यहाँ पे फोटोकॉपी हो रही है, आप लोग करा सकते हैं।
मैंने कहा ठीक है चलो, उनको बहुत बहुत थैंक यू बोला। कभी भी ऐसे फ्री में किसी से काम कराने की मेरी हैबिट थी नहीं, तो उस दिन मुझे बहुत बुरा लग रहा था और उस लड़के पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, सिर्फ 10-15 रुपए के लिए उसने मेरे को फ्री में काम करवा दिया उससे, जो कि मैं नहीं चाहती थी। मेरा जमीर मेरे को अलाउ नहीं कर रहा था कि मैं फ्री में उनसे काम कराऊँ। बस ये सोच रही थी ये दे देता तो फिर वहाँ जाके मैं उससे दे देती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो मैं ये कहना चाहती थी कि अगर आप लोग भी कहीं जाएं तो अपने पैसे एक जगह ना रखें। अगर मैंने भी एक जगह पैसे ना रखे होते अपने, तो शायद कुछ पैसे होते जिससे मैं वो फोटोकॉपी का पेमेंट कर सकती थी। इतनी ज़्यादा पैसे नहीं थी फोटोकॉपी, तो मैं उससे उसका पेमेंट कर सकती थी। तो मेरी ये कहानी सुनाने का यही मकसद था कि एक तो जब कोई आपसे हेल्प मांगे वो, और वो हेल्प जेन्युइन है अगर, तो आप प्लीज़ उसकी हेल्प कर दो। क्योंकि हेल्प करने जिसकी आपने हेल्प करी वो एहसान माने या ना माने, लेकिन भगवान देखते हैं ऊपर से कि आपने किसकी हेल्प की है। और कभी आप हेल्पलेस होंगे तो भगवान आपकी हेल्प करेगा। और दूसरा ये था कि यही बताने का वो था मेरा कहानी सुनाने का कि आप लोग एक जगह पैसे ना रखें, कहीं जा रहे हो तो कुछ पैसे ऊपर कुछ पैसे साइड में इधर उधर करके अलग अलग जगह रखें। एक साथ एक जगह रखे हुए पैसे अगर एक बार में खो जाते हैं तो वो इंसान फिर मेरी तरह परेशान होता है और उसकी इंसल्ट होती है। चलो वो फोटोकॉपी वाले भैया थे, अच्छे थे, तो उन्होंने हेल्प कर दी मेरी। बाई चांस वो भी ना करते या वो मेरी बात पर भरोसा अगर नहीं करते तो शायद मेरी वो कॉपी नहीं होती और मुझे बिना इंटरव्यू के ही वापस लौटना पड़ता। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।